हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम आप लोगों से मैक्सिकन पिटूनिया के बारे में बात करेंगे और इसको कैसे लगाया जाता है और इसकी कैसे देखभाल की जाती है। और एक रिक्वेस्ट भी करेंगे आप लोगों से, जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और जो हमारे पुराने फ्रेंड हैं, जो तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि हम तो जितने भी हमारे फ्रेंड गार्डनिंग वाले हैं, सारे और भी जितने भी हैं, तो सबकी वीडियोस पे हम जाते हैं और लाइक करते हैं, सारी सबकी वीडियो देखते हैं और लाइक भी करते हैं। और इस टाइम व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, लाइक भी बहुत कम ही आ रहे हैं। इतनी मेहनत से वीडियो बनाओ, इतने सारे काम होते हैं और उसके बाद व्यूज़ जब कम आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। हम तो सबकी लाइक करते हैं और कमेंट भी करते हैं और वीडियो वॉच भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी आएँ, प्लीज़ लाइक भी करें, इससे अच्छा लगता है कि और वीडियो बनाएं और आप लोगों से शेयर करें। आप लोग हमारी फैमिली हैं, यूट्यूब फैमिली, तो ऐसे ही सपोर्ट अपना बनाए रखें और वीडियो पे आएँ और लाइक करें और अच्छे अच्छे से कमेंट्स भी करें। देखिए फ्रेंड्स, ये छोटे से ग्रो बैग में लगा हुआ है और कितना खूबसूरत सा प्लांट है। देखिए कितना घना हो गया है। इसको घना करने के लिए हमने पिंच कर दिया था, छोटे थे जब प्लांट, तो बहुत ही अच्छे घने हो गए हैं। यहाँ यहाँ से काट दिया था, जहाँ से हमने पकड़ा हुआ है यहाँ से कट कर दिया था, तो बहुत ही घना हो गया है। तो अच्छे से ढेरों फ्लावर खिलते हैं एक साथ, तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम पॉट की तरह, गुलदस्ते की तरह। और कलर भी बहुत ही अच्छा है, गार्डन में कलर ऐड करता है पर्पल कलर, जो बहुत ही प्यारा लगता है, मुझे बहुत पसंद है ये कलर और खूबसूरत सा लगता है फ्लावर। टाइम इसका बहुत कम होता है, थोड़ी देर ही खिलता है, दोपहर तक गिर जाता है प्लांट से, लेकिन इसे लगाना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। अगर एक बार लगा लेंगे अपने गार्डन में तो ये हमेशा उगते ही रहते हैं, और इतना उगते हैं, इतना ज़्यादा क्वांटिटी में, कि इसको उखाड़ के फेंकना पड़ता है। और सारा ही इसको कट कर दिया है हमने, तो इसके बीज हो, ये फ्लावर खिलने के बाद बीज बन जाता है, और बीज अपने आप से जब पक जाते हैं तो चिटक भी जाते हैं, इससे हर जगह ये उगते रहते हैं। तो इतना ज़्यादा उगते हैं कि उखाड़ के हमें और फेंकना पड़ता है, काटना पड़ता है। तो इसके फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी, इसकी फ्लावरिंग होती है समर में और रेनी सीजन में, पूरी गर्मी और पूरे बरसात ये खिलते ही रहते हैं, बहुत ही अच्छे खूबसूरत से। देखिए कितनी सारी कलियाँ हैं। तो अगर इसके बीज कहीं मिल जाए या कटिंग मिल जाए, तो कटिंग से भी बहुत ही आसानी से लग जाता है ये, और इस टाइम बरसात में तो बहुत आसानी से हमने लगाया भी है। बरसात के टाइम कोई भी कटिंग लग जाती है, लेकिन ये बहुत ही आसानी से लग जाती है, एकदम आसान है इसे लगाना, बीज से या कटिंग से, जैसे भी लगाएं आप। और या कहीं मिल जाए, नेवर के यहाँ या आसपास कहीं भी मिल जाए, तो कटिंग लगा लें या इसकी बीज ले लें। ये फली की तरह होती है, काली काली सीड हो जाती है जब ये मैच्योर हो जाती है, और जब गार्डन में एक बार आ जाएगा तो हमेशा ये अपने आप ही उगता रहता है सीड से, और कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो नर्सरी से भी हम लोग ला सकते हैं, जिसे भी लगाना है तो नर्सरी से ला के लगा लें एक बार, तो हमेशा ये रहेगा और इतना हो जाएगा कि आप खुद इसे सबको बांटेंगे और उखाड़ते रहेंगे, गार्डन से निकालते रहेंगे, इतना ज़्यादा ये हो जाता है। और जितना ही घना होगा उतनी ही क्वांटिटी में इसमें फ्लावर ज़्यादा आएंगे, तो एक गुलदस्ते की तरह होता है ये, चाहे वेस्ट डब्बे में लगा लो, चाहे ग्रो बैग में, या फिर गमले में या क्यारी में, जहाँ जहाँ इसको लगा सकते हैं। और ये इसकी हैज भी बना सकते हैं, हमने बाहर क्यारी में, अपने बाहर वाले गार्डन में क्यारी में लगाया था, लाइन से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था क्यारी में, घना घना सा, और अब उसको निकाल दिया था, वो लाल सा लगाया था, लाल सा बहुत खूबसूरत लग रहा है। देखिए ये कितना खूबसूरत सा लुक दे रहा है गार्डन में। मॉस रोज और परचूलता, पर्सलेन, सारे ही मिक्स हैं इसमें, और कई कलर में खिलते रहते हैं रोज, डेली ही बहुत ही खूबसूरत से इतने सारे कलर के खिलते रहते हैं। देखिए ये नया है, ये नया कलर ऐड हुआ है हमारे गार्डन में, मेरे भाई ने गिफ्ट दिया था, तो ये कटिंग से ग्रो किया है, तो बहुत ही अच्छा कलर निकल के आया है इसका, बहुत ही प्यारा कलर है, और इसके कई पेटल्स भी हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, एक दो खिलता रहता है। छोटे से बॉटल्स में है, और इसमें सिर्फ वही रिवर सैंड है, रेत है सिर्फ, वही घर बनाने वाली जो रेत होती है, तो इस डब्बे में उसी को भर के और इसमें कटिंग लगा दी थी, तो बहुत ही जल्दी लग गई है इसकी भी कटिंग। और इस टाइम तो बारिशों का टाइम है, बरसात का, बहुत ही अच्छा
कोई भी प्लांट्स अपने गार्डन में ऐड करने के लिए, और नर्सरी से ला के ऐड करें, चाहे चाहे कटिंग से, चाहे जैसे लगा सकते हैं। जितने भी प्लांट लगाने हैं, ऐड करने हैं अपने गार्डन में, बहुत ही अच्छा टाइम है। तो बहुत ही ढेरों फ्लावर मॉस रोज और परचू लगा के भी खिलते रहते हैं, और जो मैक्सिकन पिटूनिया है वो तो बहुत ही ज़्यादा इस टाइम खिलते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों में भी मैक्सिकन पिटूनिया लगा सकते हैं। और ये कितना प्यारा लग रहा है, चाइनीज़ ऑयलेट। और ये कटिंग से जो हमने लगाया था कनेर, ये भी अब अच्छे से चल गया है, शायद ये अब लग गया है। कभी कभी हमारी कटिंग फेल हो जाती है, कितनी बार हमने कटिंग लगाई कनेर की और बार बार निकलता है और फेल हो जाती है। तो मैक्सिकन पिटूनिया जो है वो हमारे गार्डन से कभी नहीं जाएगा, वो हमेशा ही साथ में रहता है अपने गार्डन में, और उसको पानी ज़्यादा भी नहीं चाहिए और धूप फुल चाहिए। जितनी तेज़ धूप होगी उतने अच्छे फ्लावर आएंगे मैक्सिकन पिटूनिया में, और कितना प्यारा उसका कलर भी रहता है। और ये देखिए फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिला है जो हमारे भाई ने दिया था। तो उसकी जो लंबी लंबी सी ब्रांच हो गई थी, रिपोर्ट नहीं किया था, तो इसको एक गमले में टच कर दिया था और उसके ऊपर मिट्टी रख दी थी, तो ये अपने आप ही लग गया है। और उसके बाद दूसरे गमले में उसकी ब्रांच अपने आप से गई और अपने आप से मिट्टी में टच होके वो वहाँ से भी प्लांट निकल आया है। इसके दो तीन प्लांट हर जगह से, जहाँ से मिट्टी से टच होता है वहाँ से ही निकल आता है। तो इनमें रूट होती हैं, जो ब्रांच है इसकी लंबी लंबी सी वाइन है, तो उनमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर रूट जैसी निकलती है और कहीं टच हो जाती है वहाँ से प्लांट बन जाता है। देखिए, इस ग्लास में भी रख दिया था तो इसमें भी प्लांट बन गया है। ये टिकोमा है।